चलिए, ये क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 4.2 का 7 नंबर का है और इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एलएचएस से आपको प्रूव करना है 4a² b² c². जरा आप ध्यान दीजिए, इसको कैसे बनाएंगे, लिखते हैं सॉल्यूशन। देखिए -a² ab ac है आपका, ba - b² bc है, cacb - c² है। शुरू से अंत तक देखेंगे तो समझ में आएगा ही, अरे नहीं देखेंगे तो कैसे समझ में आएगा, जरा बताइए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आपको तुलना है। देखिए a² b² c², जरा आप सोचिए क्या इसका मतलब, यहाँ पर दूगो a² है, मतलब दो को ए है, ए बी सी इनटू में ए बी सी ऐसे रहेगा, तो क्या इसको a² b² c² नहीं लिख सकते हैं, लिखेंगे। तो जरा सोचिए इसका मतलब है इसमें से ए बी सी के रूप में कॉमन आया होगा, तब ना ऐसे हुआ। अब सोचिए तो कैसे करेंगे, तो क्या R1 को आप देखिए, R2 को देखिए, R3 को देखिए। R1 में आपका a² यहाँ ए बी है, यहाँ ac है, इसका मतलब R1 में a है कि नहीं है, a कॉमन ले सकते हैं R1 से। R2 में देखिए ba - b² bc, इसका मतलब R2 से हम b कॉमन ले सकते हैं, इसी प्रकार R3 से c कॉमन ले सकते हैं। तो आप लोग कहिएगा सर C1 को देखिए तो, C2 को देखिए तो, C3 को देखिए, बहुत ही R1 R2 R3 करते हैं। तो जरा आप देखिए C1 में भी A कॉमन ले सकते हैं, C2 से B है तो B कॉमन लेंगे, C3 से C है तो C कॉमन लेंगे। आपका मन जिधर से उधर कर सकते हैं, चाहे आप R1 से चलिए या C1 से चलिए, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या तो कॉलम से बनाइए या तो रो से बनाइए, लेकिन बनाना है। चलिए तो हम लोग चलते हैं R1 से, तो यानी कॉलम रो से चलते हैं, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे R1 R2 तथा R3 से A क्रमशः AB और C कॉमन लेने। हम क्या सीखे, हम सीख रहे हैं R1 से A, R2 से B, R3 से C कॉमन ले रहे हैं। आपको पता है कॉमन वाली संख्या को गुणनफल के रूप में डिटरमिनेंट से बाहर लिखा जाता है। अब लिखिए यहाँ पर दो गो A था तो कॉमन लिए एक बचेगा, एक कॉमन लिए B बचेगा, यहाँ C बचेगा, इसमें से R2 में से B कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर A बचेगा, यहाँ देखिए -b बचेगा, यहाँ पर आपको c बचेगा। R3 से हम c कॉमन ले रहे हैं, यहाँ बचेगा आपको a, यहाँ बचेगा आपको b, यहाँ बचेगा -c। अब क्या करेंगे, अब फिर टेंशन आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब बताइए, अब यहाँ पर C1 में से हम A कॉमन ले सकते हैं, C2 से B कॉमन ले सकते हैं और C3 से C कॉमन ले सकते हैं। तो फिर से लीजिए, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, फिर लिखेंगे C1। अब कहिएगा सर R है यहाँ पर, C का यूज कर रहे हैं, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए C1 C2 तथा C3 से क्रमशः AB और C कॉमन लेने पर। चलिए कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा, जरा आप समझिए, यहाँ पर ABC है, इधर से फिर से ABC तो पहले का है तो लिखेंगे, फिर से बाहर ABC हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है हम इससे C1 से A कॉमन लिए, C2 से B कॉमन लिए और C3 से C कॉमन लिए। अब हम क्या करेंगे, अब इसको तो प्रसरण करना है, जरा बताइए इसको आसान करने के लिए कोशिश करेंगे, यदि R1 R2 को जोड़ते हैं तो दो गो एलिमेंट जीरो हो जाएगा, तो आपको प्रसरण करने में यानी इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने में आसान हो जाएगा। इसका मतलब इसको पता है कैसे करेंगे, अब मान लीजिए R1 और R2 को जोड़ देते हैं तो दो गो एलिमेंट जीरो हो जाएगा। आपको लिखेंगे R1 tends to R1 plus R2। देखिए इसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ABC into ABC हो जाएगा आपको a² b² c² लिखेंगे a² b² c². अब R1 को चेंजिंग करें तो -1 + 0 देखिए 1 1 2 हो जाएगा।
अब देखिए आर टू सेम होगा, एक माइनस एक, एक 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 माइनस एक। चलिए अब देखिए हम आर वन के अनुसार प्रसरण करेंगे तो ये दोनों टर्म जीरो, डायरेक्ट हम यहां पर पहुंचेंगे, लिखेंगे आर वन के अनुदिश प्रसरण करने पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। डायरेक्ट यहां पहुंचिए क्योंकि इस दोनों एलिमेंट का मान जीरो हो जाएगा, इसका चिन्ह प्लस माइनस प्लस होता है तो इसका मतलब क्या लेंगे, प्लस में दो लेंगे। अब देखिए ये टर्म खत्म, ये टर्म खत्म, यानी दो जिस रो में या जिस कॉलम में होगा वो एलिमेंट खत्म हो जाता है, इसका मतलब ये टर्म नहीं होगा और ये टर्म नहीं होगा आपका, तो बचेगा वन माइनस वन वन वन, वन माइनस वन वन वन, समझे। तो आप लोग अच्छे से समझते हैं इस बात को। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसका वैल्यू निकालेंगे, टू बाय टू ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनाने जानते हैं ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू टू हो जाएगा। अब देखिए वन, वन में वन से मल्टीप्लाई करेंगे वन, माइनस में फॉर्मूला, फॉर्मूला माइनस से होता है यहाँ। अब देखिए वन में माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन, अब माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वन। चलिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू टू, यहां भी टू हो जाएगा, टू इंटू टू, इसका मतलब फोर लिख सकते हैं, फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यही आपको प्रूव करना था। तो क्या यह क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया या नहीं आया, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और इसको आप लोग प्यार से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो बिल्कुल समझ में आएगा।